नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू इंडिया बोलेगा, द शो दैट ब्रिंग्स यू सम एलिमेंट्स ऑफ आवर डेली रूटीन विद योर होस्ट स्नेहा। कुदरत के रहस्य को आज तक कोई समझ ही नहीं पाया और ना ही शायद कभी समझ पाएगा। सो आज का ये पॉडकास्ट एक रिक्वेस्टेड थीम है, वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट 10 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, जहां अगर आपको जाने का चांस मिले तो आप इसे कभी जाया नहीं करेंगे। And at the end, we have a mystery question awaiting for you. So let's begin. Arashiyama Bamboo Forest, जापान की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम यहाँ की हरियाली करती है। जापान के सगियानो में एक बैम्बू फॉरेस्ट है जो कि इसकी राजधानी टोक्यो के बाहरी इलाके में है। बांस का ये जंगल 16 किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है, जिसे आप पैदल चलकर देख सकते हैं। साल के अलग अलग समय पे इस जंगल के रंग बदलते रहते हैं, जो कि इसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं। शहर के ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए इन जंगलों को बनाए रखना जापान की प्राथमिकता में से एक है। बांस के इस जंगल को देखने के लिए सुबह और शाम का समय सबसे बेहतर माना जाता है। पिंक लेक ऑफ लॉस कोलोराडोस। लॉस कोलोराडोस, जिसका अर्थ है ब्लश रेड, अपनी लेक्स का रंग, यूनिक लाल रंग की अलगी, प्लांकटॉन और समुद्र में पाए जाने वाले मछलियों से पाता है, जो कि नमकीन पानी में रहते हैं। इसे फ्लेमिंगो लेक भी कहा जाता है। ये मेक्सिको के पूर्वी तट युकाटन पेनिनसुला में स्थित है। हर साल लाखों लोग इस समुद्र को निहारने मेक्सिको आते हैं, पर दुर्भाग्यतावश मेक्सिकन गवर्नमेंट ने किसी को भी इस पानी में तैरने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इस पानी में नमक की मात्रा काफी ज्यादा अधिक है, जो कि शरीर के लिए काफी हानिकारक हो सकती है। बाइट्रोमा ग्लोबॉम केव्स। न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में स्थित ये गुफा हमेशा जगमगाती है। ये गुफा ऐसी नजर आती है जैसे तारों से सजी हुई हो, पर असलियत में ये यहाँ पाए जाने वाले अर्चानो कैम्पल ल्यूमिनोसा नामक ग्लोबॉम की वजह से होता है। ये जीव एक रासायनिक प्रक्रिया करते हैं जिससे रोशनी पैदा होती है, और ये रोशनी अपने शिकार को आकर्षित करने में काम आती है। ये जीव जितने ज्यादा भूखे होते हैं उतनी ही ज्यादा रोशनी पैदा करते हैं, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में टूरिस्ट हर साल यहाँ आते हैं। रेड सी बीच, चाइना। पैंजिन में स्थित रेड सी बीच दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड है, और ये टूरिस्ट का सबसे पसंदीदा स्पॉट भी बन चुका है। लाल रंग की खास किस्म के घास के कारण ये जगह टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। ईस्ट एशिया से ऑस्ट्रेलिया की ओर उड़ान भरने वाले प्रवासी पक्षी इसी बीच पर प्रवास के लिए रुकते हैं। इस बीच की ये खासियत है कि यहाँ पर 260 से भी ज्यादा किस्म के पक्षी और 399 से भी अधिक तरह के जंतु पाए जाते हैं। यहाँ आने का हाई टाइम अक्टूबर है। क्रोमलाउ डेविल्स ब्रिज। जर्मनी के क्रोमलाउ पार्क ब्रिज को शैतानी पुल कहा जाता है। इस पुल की सबसे बड़ी खासियत इसका अर्धगोल मेहराब के आकार में बना होना है। ये पुल पूर्वी जर्मनी के क्रोमलाउ पार्क में बना हुआ है। जब पुल के नीचे लेक वाटर्स में पानी शांत होता है और रोशनी पड़ती है, तो दूर से एक खूबसूरत गोलाकार आकृति बनती है। दर्शकों को यह दृश्य फेरी टेल्स जैसा लगता है। इस ब्रिज को डायर रिकॉर्ड ब्रिज भी कहा जाता है। क्रोमलाउ का पुल 1860 में बनकर पूरा हुआ था। इसको बनने में फ्लैट स्टोन और बसाल्ट का इस्तेमाल किया गया था। कैनो क्रिस्टल्स। कोलंबिया की इस नदी को दी सेवन कलर रिवर और लिक्विड रेनबो भी कहा जाता है। ये नदी सियेरा डे ला मैकरेना में मौजूद है। इस नदी की खासियत ऐसी है कि ये हर मौसम के साथ अपना रंग बदलती है। कैनो क्रिस्टल्स नदी की लंबाई करीब 100 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 20 किलोमीटर है। एक खास वक्त में कैनो क्रिस्टल्स का रंग लाल, नीला, पीला, हरा और नारंगी हो जाता है। इस नदी का कमाल इसके पेड़ है, जिनका नाम है मैकेरेनिया क्लेविजेरा, जो निश्चित जल सीमा और सूरज की रोशनी में अपना रंग बदलते हैं। मेंजानेरो बीच, कोस्टारिका। As we know, recently Costa Rica has won the title of the happiest country in the world. यहाँ का वातावरण भी उतना ही खुशहाली से भरा है। सेंट्रल अमेरिका के कोस्टा रिका में कैरिबियन सी की लहरों के साथ मेंजानेरो बीच जुड़ा हुआ है। इस बीच ने पर्यटकों को काफी हद तक आकर्षित किया है। कोमल सफेद संगमरमर के साथ चिड़ियों की आवाज यहाँ का आकर्षण बढ़ाती है।
तीन ओरों से जंगल से घिरा हुआ ये प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखता है। पर्यटक यहाँ शहरों की भीड़भाड़ से दूर होकर नेचुरल लैंडस्केप का आनंद लेने आते हैं। माउई हवाई। अमेरिका के हवाई में माउई आइलैंड है। इस आइलैंड पर आपके करने के लिए काफी सारी चीजें हैं। वहाँ आप वेल फेस्टिवल में हिस्सा भी ले सकते हैं। अगर आप पहली बार सर्फिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए वहाँ कई सारी सर्फिंग स्कूल भी मौजूद है। लहेना, जो कि माउई आइलैंड से पश्चिम में 65 किलोमीटर दूर है, अपनी पौराणिक कलाकृतियों के लिए मशहूर है। माउई हवाई की दूसरी सबसे बड़ी आइलैंड मानी जाती है। माउई को दिवाली ईजल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के बीचेस की सौंदर्यता सिर्फ पर्यटकों को ही नहीं बल्कि यहाँ के जानवरों और पक्षियों को भी प्यारी है। लेनकोविस मैरिनहेंसिस। ब्राजील के लेनकोविस मैरिनहेंसिस नेशनल पार्क दुनिया भर में रेगिस्तानी टीलों के बीच स्विमिंग पूल के लिए जाना जाता है। देश के उत्तर पूर्वीय तटीय क्षेत्र में यह पार्क 1550 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विदेशी पर्यटकों के लिए ये प्रमुख आकर्षण है। अलग अलग मौसम में रेत के टीलों की ऊंचाई बढ़ती रहती है। साल के कुछ महीनों में यहाँ स्विमिंग की जा सकती है। आश्चर्य है कि यहाँ का दृश्य तो रेगिस्तान जैसा है, पर यहाँ कई दिनों तक घनघोर वर्षा होती रहती है। जम्मू और कश्मीर में बसा लद्दाख घूमने के लिए भारत की सबसे शानदार जगह है। बर्फ से ढके पहाड़ और ऊंचे ठंडे रेगिस्तान, चमकती हुई झीलें और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य के कारण लद्दाख टूरिस्ट के लिए सबसे बेहतर जगह मानी जाती है। स्तूप कांगरी भी यहाँ ट्रेकिंग के लिए प्रसिद्ध है। इस पहाड़ की ऊंचाई 20,000 फीट है और ये सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण ट्रेक माना जाता है। शुरुआत में आपको ट्रेक में काफी डर लग सकता है, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे ही आप अपने आप को इसके अनुसार ढाल लेंगे। So here we come to the end of our today's podcast and we have a mystery question for you. That is, identify this castle. A hint is, this castle is built in a very good lavish location in Germany. और इसे सिंड्रेला कैसल भी कहा जाता है। So let us know in the comment section below and if you like our podcast, make sure to smash that like button and subscribe to our channel. Have a nice day, everyone.